नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक बोरिस, स्वागत करता हूं मैं आपका इस चैनल पे। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के लीग मैच लगभग खत्म होने कगार पे हैं, यानी कि एकमात्र मैच बचा हुआ है इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का। ये मैच 12 नवंबर 2023 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में दोपहर के 2 बजे खेला जाएगा। अगर नीदरलैंड मैच की टिकट की बात करूं तो इसकी अपडेट मैंने कल दी थी आपको कि टिकटें आ गई हैं, जाके बुक कर लीजिए। आप लोगों ने टिकट बुक किया कि नहीं किया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी इस मैच के बाद 15 नवंबर 2023 को और 16 नवंबर 2023 को ये 2 दिन खेला जाएगा, सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2। अगर सेमीफाइनल 1 की बात करेंगे तो ये मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, और वहीं सेमीफाइनल 2 की बात करेंगे तो ये खेला जाएगा ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम में दोपहर के 2 बजे। तो फिलहाल अगर इस मैच के टिकट की बात करूं, यानी कि सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 मैच के टिकट की बात करूं, तो उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि इस मैच के टिकटें 10 नवंबर, 11 नवंबर या 12 नवंबर के बीच में किसी भी दिन आ सकती हैं। एग्जिट टाइम और डेट की जानकारी आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है उसके हिसाब से यही कहा जा रहा है कि 10, 11, 12 के आसपास इस मैच की टिकटें आएंगी। कई लोगों की ये कन्फ्यूजन है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हुआ तो किसी और वेन्यू पे होगा, और किसी और टीम का सेमीफाइनल हुआ तो किसी और वेन्यू पे होगा। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि वेन्यू क्लियर है, वानखेड़े स्टेडियम और ईडन गार्डन, यही 2 स्टेडियम है जहां पे मैच होगा। कोई भी 2 टीम आए, मैच वहीं पे खेला जाएगा। तो इसलिए वेन्यू को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि किसी और वेन्यू पे होगा, किसी और वेन्यू पे होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान आ गई तो किसी और वेन्यू पे, और कोई और टीम आ गई तो किसी और वेन्यू पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वेन्यू पहले से डिसाइडेड है, अचानक से कुछ हो जाए, वहां पे कोई अजीब घटना हो जाए तो बात अलग की, तब चेंज किया जा सकता है, वरना इसमें ICC का रोल होता है। ऐसा नहीं होता कि BCCI के हाथ में है कि वो जहाँ चाहे वहाँ करा दे।